इतनी नींद आ रही है ना अभी कि क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। अभी भी लगा लो 1:30 बज गया, दिन के 1:30 बज रहे हैं और अभी भी मैं नींद में हूँ। तो खैर छोड़ो, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते। नहीं, ऐसा करते हैं, अकेले ब्लॉग की शुरुआत नहीं करूंगा, जिसको देख करके आप यहाँ पर आए हो उसके साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, ये महाराज करेंगे। बोलो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू माई आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है। तो ये जो बेबी अभी आपने देखा है, ये अभी आया नहीं है, ये आने वाला है। मतलब मैं इसे लेने जा रहा हूँ अभी। वो क्या है कि मैं थोड़ा सा स्टोरी में क्या आगे निकल गया था वगैरह, जवान फिसल जाती है, क्या कर सकते हैं। तो जो बेबी आपने देखा, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ फ्रैंक भाई के पास और सारी स्टोरी जो है आपको वहीं पर बताऊंगा कि असल में बेबी कहाँ से है, क्या है और कैसे। आप 400 meters at Subsberg Circle, take the third exit onto Lodi Road. कैसे मैंने लिया, क्यों लिया और ये फैमिली मेंबर की कहानी क्या है, ये सब मैं आपको फ्रैंक भाई के पास पहुंच के बताता हूँ। तो फाइनली हमारा न्यू फैमिली मेंबर जो है वो आ चुका है और ये मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है। तो ये है आदित्य भाई, आदित्य भाई के छोटे भाई हैं। मैंने फ्रैंक भाई से कहा था कि भाई एक न्यू फैमिली मेंबर चाहिए मुझे, तो फ्रैंक भाई ने आदि भाई को कॉल किया, क्योंकि आदि भाई जो है इनके पास ऑलरेडी पहले से ही कितने डॉग्स हैं? मेरे पास 4 डॉग्स हैं। ओके, फ्रेंच मैस्टिफ है, एक जर्मन शेफर्ड है, एक लैब्राडोर है, एक पोमेरियन है। ओके, शौक के तौर पे रखे हैं, कुछ काम नहीं है, बट भाई का फोन आया, फ्रैंक भाई बड़े भाई जैसे, तो मना ही नहीं हो पाया। तो हमारा भी एक प्लान बन रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं और जो भी मेरे सर्कल के लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रीट डॉग्स को ना खाना खिलाते हैं। ओके, तो अराउंड 5,000 के मैक्स अभी तक जो मेरी काउंट में है। तो हम सोच रहे हैं कि एनजीओ ओपन करें, उसे रजिस्टर करें, आप लोग हमारा साथ देंगे तो उन्होंने हम 5,000 को फिर 5,00,000 कर सके। Okay. तो वैसे है कि जैसे कोई इंसान ना सोए तो ऐसे कोई बेजबान भी भूखा ना सोए, सबको खाना। सही बात। तो ये आइडिया देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो अगर ये इनका आइडिया ये आगे बढ़ेगा, एनजीओ बनेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा और इससे हम सब जुड़ने की कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके खाना खिलाया जा सके, स्ट्रीट डॉग्स को फूड पहुंचाया जा सके। इसकी हरकतें देखो, ये देखो, ये शैतान देखो, ये कुछ ना कुछ काटने में लगा हुआ है, अभी पूछे के पीछे पड़ गया है। उसको टीथिंग करने से उसको कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, सब चलेगा। उसको कैमरा दे दो, उसको ना ना भैया कैमरा नहीं देना, ये ले ले ले, को फ्रैंक को लेकर जाएंगे और भाई इसके लिए जो भी मतलब सामान होगा वो भी शॉपिंग शुरू करते हैं। क्या क्या आने वाला है, इनकी ये वाली मेमोरी ये कभी हो, तो अभी मत कोशिश मत करना कि जब तक 3 महीने का होता है हराम करे, 3 महीने के बाद फिर इसे आदत से, अभी से इसका 2 शेड्यूल बना दो, 3 महीने इसका खाने का शेड्यूल और इसका पॉटी सुसु बाहर, इसको ये आदत डाल, उसके बाद इसे आदत डालेंगे। सुसु की आदत तो डाल सकते हो, कभी भी कर देता है। नहीं नहीं सुसु। तो फिलहाल अभी इसके लिए सामान कुछ भी मिलेगा, अभी सामान लेना जा करके, तो हम यहाँ से चलते हैं, भाई को फ्रैंक को लेकर के चलेंगे और भाई इसके लिए जो भी मतलब सामान होगा वो अभी शॉपिंग शुरू करते हैं। अच्छा, तो खाने के बाद आदत ना पड़ेगा, अभी जैसे सुबह सुबह करे हमारा, सुबह दोपहर शाम से लेके जाऊंगा, बेस्ट है, अच्छी बड़ी छत है, छत पर ले जाओ बेस्ट। बल्कि ये आदत डाल दो कि जब तू बाहर नहीं जा रहा तो तू छत पर सुसु पॉटी करे, ये भी अच्छी आदत, मेरी भी ऐसी रहती है, सुसु कर रहा भाई, वाह शिशु कर दो, खेल भी तो रहा है, कौन खेलता है ऐसे साथ अपना यार। बोलो खाने की टाइमिंग क्या है? अच्छा, कुछ क्या टाइमिंग पे आप लोग खा लेते हैं? आप बनाओ जा, आपको क्या लगता है आप आदर डालनी स्टार्ट करो?
अबे इतने चढ़ गया आलू नशे चढ़ गया। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, सेरेलैक पेडिग्री और उसके लिए बेड बकेट और मतलब जो भी यूजफुल आइटम है, स्प्रे टिश्यू पेपर्स, मतलब जो भी जरूरत का सामान है वो लेने जा रहे हैं। फ्रैंक भाई अपना मास्क भूल गया था तो ऊपर लेने गया था, वो आएगा तो फिर अपन निकलते हैं। अभी मैं सरायकाले का हूँ, जंगपुरा में काफ़ी मतलब शॉप्स हैं और डॉक्टर्स भी हैं, तो एक बार बात भी कर लेंगे। अभी हालांकि वो पप्पी जो है वो ऊपर सो रहा है, उसको भी छोड़ करके आए हैं, बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि अभी थोड़े दिनों में उसकी वैक्सीन चालू होंगी। फिलहाल अभी हम लोग जंगपुरा में पहुँच चुके हैं जहाँ पूरे की पूरी मार्केट है, तो फ्रैंक भाई अभी सामान पता कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें उठा देंगे। तो एक हमारे प्रिय मित्र हैं बब्बल पाजी, तो ये उनका रेस्टोरेंट है बब्बल बारबेक्यू। ओए 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 पीछे हो जा, पीछे हो जा। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा बेटा, बना रहे हैं आपके लिए खाना, बना रहे हैं। पूरा खाओगे, पूरा खाओगे हैं, पूरा खाओगे हैं, खेलने खेलना चाहते हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर इधर घूम के, 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 शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ बन रहा है, आप ही के लिए खाना बन रहा है। अरे तो मेरे भाई तुम कर लो इसके लिए फटाफट से खाना बनाते, क्योंकि इसको लग रही है बहुत ज्यादा तेज भूख। तो इसके आने की खुशी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब इतना ओवर एक्साइटेड हो रखा हूँ इसके लिए, मैं क्या कहूँ। और ये देखो, मेरे से ज्यादा ओवर एक्साइटेड बंदा ये है। ये तो एक्साइटेड है ही है, इसको तो बस चाहिए कुछ ना कुछ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। हम लोग काफी दिनों से सर्च कर रहे हैं और मतलब मैक्सिमम हमने पूरी दिल्ली छान मारी, हमें पप्पी नहीं मिल रहे थे हमारे हिसाब से। फाइनल में जाकर के फ्रैंक भाई के फ्रेंड के घर में ही निकल आया, तो सबसे बढ़िया बात है कि घर का अपना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलत जगह मुंह मार रहे हैं बेटा, देखो कैसे खा रहा है, देखो देखो, एकदम एकदम टूट पड़ा खाने पर लौंडा हमारा, एकदम से जैसे सेरेलेक मतलब बनाया और एकदम से कूद गया उसपे, जैसे कटोरी भी नीचे नहीं रखनी थी बंदे। तो अभी क्या है, गर्मी लग रही है इसलिए फैन चला रखा है, फैन बंद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाज में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वैसे तो चल जाएगा, आवाज ऐसी आएगी नहीं। तो इतने दिनों से ऐसे हम लोग ढूंढ रहे थे, इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, फाइनली मिला और थैंक यू फ्रैंक भाई, केवल इस बंदे के कारण। मेरा एक बार के लिए मन हो गया था यार नहीं मिल रहा छोड़ो, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ अब थोड़ा दिल को सुकून है, बहुत प्यारी है और बहुत ज्यादा एक्टिव, सोरा सॉरी मैं प्यारी को प्यारा बोल, प्यारा को प्यारी बोल रहा हूँ और सॉरी को सोरा बोल। खत्म बाबू खत्म। तो ये है कि हाँ अब ऐसा आ रहा है कि भाई इसे घर लेके जाए जल्दी से, और पापा वैसे मना कर रहे थे कि नहीं चाहिए, और पापा के रिएक्शन देखने हैं, दादा दादी के रिएक्शन देखने हैं, और छोटा भाई तो बहुत देर से फ़ोन कर रहा है मुझे, भाई कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो अब टाइम है, थोड़ी देर में उसे घर लेके जाने का। ये देखो ये बर्तन लेके जाने का मूड है पूरा। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ध्रुव भाई के पास, और इसको देखो यहाँ सीट पे मैंने सीट बेल्ट लगा के रखा है और शांति से यहीं पे एकदम देखो चुपचाप सो गया है। अभी तक थोड़ी देर तक तो उसने गाड़ी में उछल कूद मचाया और फिर ऐसा सुन्न होकर के सोया है ना कि ऐसा दिल खुश हो गया कसम से यार। तो ये देखो ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे बिछड़े भाई बहन होंगे। ये है हमारी बेला मेहता ध्रुव भाई की यूट्यूबर्स के और इसका भी नामकरण नहीं हुआ है। ये देखो ओ, 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 तो फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूं घर पर और यहां पर इस व्लॉग का एंड करते हैं और ऊपर चलते हैं। अभी दरअसल फैमिली में किसी को नहीं पता, केवल छोटे भाई को पता है और पापा को दादा दादी को किसी को नहीं पता है कि मैं एक पपी जो है वो घर लेके आ गया हूं। अभी नाम नहीं सोचा है, अभी तो इसका जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें फादर का दादा दादी का क्या रिएक्शन होता है, फैमिली क्या रिएक्शन देती है। गोद में दे गोद में, गोद में दे पापा चाचा तू ही हूँ ना। तो ठीक है दादा दादा, अब गोद में लो उसे। पेट नहीं पालना है, क्यों नहीं पालना है? तुमने अभी मेरे को कुछ दिनों पहले बोला था तुम्हें पसंद है, जो हम घूमने गए दूसरों का वो होगा। तो अभी इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज रश कुमार, बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय।